वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सुबह के 7 बज चुके हैं और सुबह 7 बजे होता है आपका करंट अफेयर। याद रखें, सुबह 7 बजे से डेली करंट अफेयर देखना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें पीवीआर स्टडी को और चलिए चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी जो करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 7 बजे से होती है। और एक बात बता दें, जो आपकी परीक्षाओं में करंट अफेयर आते हैं वो उसी दिन का नहीं आता है, 3 से 6 महीना पुराने करंट अफेयर आते हैं। तो उसको याद रखिएगा, 3 से 6 महीना पुराने करंट अफेयर आते हैं। तो आप लोगों को पुराने क्वेश्चन भी याद करके चलना है, बहुत नए क्वेश्चन को नहीं करना है। नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेंगे? पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा ओडिशा, तीसरा केरल और चौथा ऑप्शन है इसमें आपका आंध्र प्रदेश। तो आप लोग इसका उत्तर समझ गए होंगे मित्रों। नवीन पटनायक जी जो हैं वो अभी जल्दी में ही ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, है ना। अगला सवाल पे चलें अगर दूसरा, तो कह रहा कि भारत ने किस राज्य के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उसमें ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इराक। तो आप सभी जानते हैं कि वो कौन सा देश है, बांग्लादेश। अगला चलते हैं, DRDO ने कहाँ पर सुखोई लड़ाकू 50 से 500 किलोग्राम का वर्ग के गाइडेड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो जल्दी से बताओ फटाफट, DRDO ने कहाँ पर यह परीक्षण किया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। जी हाँ, पोखरण में जो भी परीक्षण होता है पोखरण में होता है। आगे चलें, इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते? तो हमने आपको बताया था कि खेल और बिजनेस से संबंधित आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। तो जल्दी से बताइए, इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हो गया सभी का कमेंट्स, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा 57। कुल मिलाकर के 57 पदक भारत ने जीता है। आगे चले नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कह रहा कि 17वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद होंगी? 17वीं लोकसभा सांसद में कितनी महिला सांसद होंगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 78। 78 महिला सांसद हैं 17वीं विधानसभा में, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फेसबुक कब तक अपनी खुद को क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करेगा? फेसबुक जो है अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने वाला है, कब तक करेगा पता है आपको? 2020 तक ही लॉन्च करेगा, अभी दूसरे के सहारा चल रहा है। आगे चले, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में औपचारिक क्षेत्र में लगभग कितने करोड़ नौकरियां सृजित की गई? तो दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार जो भी दिखाया गया है उनमें 1.25 करोड़ की नौकरियां जो हैं वो क्या की गई, सृजित की जा चुकी हैं। लेकिन ये नौकरियाँ किसी को मिली हो या ना मिली हो। आगे चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे? तो दोस्तों, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी वो होगी जापान में। कहाँ पर होगी? जापान में होगी। और आगे है, ये क्या कह रहा है कि किस जीवन बीमा कंपनी को फिक्की क्लेम एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइए। पहला ऑप्शन है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस या फिर रिलायंस इंश्योरेंस। तो मित्रों, इसका जो आंसर हो जाएगा, किस बीमा कंपनी को पानी कंपनी को फिक्की क्लेम एक्सीलेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो दोस्तों, जो माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है वो है प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते। जी हाँ, ये प्रियंका मोहिते अभी नई में है हाल में, है ना। आगे चलें, किस पुलिस अधिकारी को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र द्वारा डेग इमर कार्ड पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका नाम क्या है पता है आपको? जितेंद्र कुमार। जी हाँ, जितेंद्र कुमार। अगला नंबर 12, ट्रैक्टर निर्माता कंपनी टैफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? जल्दी से बताइए, ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है।
ठीक ना, आगे चलें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अक्षय कुमार। ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, जुआन मीरो पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया नालनी मालानी को। किसको दिया गया? नालनी मालानी को। मैं आपको बता दूँ क्यों दिया गया, इसके लिए जब आप कमेंट करेंगे तभी हम आपको बताएंगे। अगले सवाल पर अगर हम चलें तो आपको ध्यान देना, जरा गौर से समझना। कह रहा कि बाल अधिकार सूचकांक ने भारत 181 देशों में किस स्थान पर है? बाल अधिकार सूचकांक में भारत 181 देशों में किस स्थान पर है? पता है आपको? -117, ऊपर नहीं नीचे है। अगला है, कह रहा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सफलतापूर्वक फतह करने वाली जो पहली किशोरी महिला थी वो कौन थी? वो थी नहीदा मंजूर। कौन था? नहीदा मंजूर। तो याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इसी के लिए आज क्लास इतना ही हुई। तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट जरूर करना, और हाँ सुबह 7 बजे से डेली करंट अफेयर अवश्य देखना। 8 बजे से होगी कक्षा 10 NCERT मैथ, उसके बाद और जो भी क्लास होंगी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता रहेगा और वहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।